अन अकेडमी 2040, ओला 2300, ब्लिंकिट 1600 और व्हाइट हैट जूनियर 1300। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? ये उन लोगों की संख्या जिनको निकाल दिया गया था पिछले साल इन कंपनी से। 2024 is already turning out to be a bad year for working professionals. क्यों जा रही हैं नौकरी? इस साल इंफोसिस ने कहा कि वो कैंपस प्लेसमेंट करेंगे ही नहीं, और IIM लखनऊ अपने अलमनाय से मदद मांग रही है ताकि उनके स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लग जाए। एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई है कि कई यंग प्रोफेशनल्स एक ज्योतिष के पास जा रहे हैं अपने करियर के फ्यूचर के बारे में पूछने के लिए। 2022 से 120 इंडियन स्टार्टअप्स ने करीब 34,000 एम्प्लॉइज को बाहर किया अपनी कंपनी से। So the truth is that I got laid off from Amazon. पर दो साल पहले ही कई इंडियन और फॉरेन कंपनीज हमारे टेक एम्प्लॉइज को हायर कर रही थी। 70 यूनिकॉर्न्स में क्रिएट अराउंड 1.25 लाख टू 1.6 लाख जॉब्स। तो सडनली हुआ क्या? Why are so many companies firing so many workers? अब आप में से कई लोग कहेंगे कि जॉब मार्केट खराब है AI की वजह से। और कुछ हद तक आप सही हैं, पर AI का इम्पैक्ट जॉब्स पर इतना डायरेक्ट नहीं है। ये हुआ है तीन तरीकों से। पहला केस है जहां AI डायरेक्टली लोगों की जॉब ले रहा है। दूसरा केस है जहां AI की वजह से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो अगर एक चीज के लिए कंपनी को तीन लोग चाहिए थे, अब बस दो की ही जरूरत है। तीसरे का क्या हुआ? और तीसरा केस है जहाँ कंपनीज की प्रायोरिटी बदली है। कई डिपार्टमेंट्स है कंपनीज के जो एक जमाने में उनके लिए जरूरी थे, पर आज उनके लिए AI जरूरी है। इस वजह से वो डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया है। अब आप इन तीनों केसेस से बच कैसे सकते हो, इसके बारे में मैं सोल्यूशन सेक्शन में बात करूंगा, पर अभी पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो मैं आपको स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ एक ऐसे कॉलेज में जहाँ आपको लेटेस्ट AI के स्किल्स सिखाए जाएंगे ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। तो इस वीडियो को देखते रहो। अब इन तीनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं उन एग्जांपल्स के साथ जहां AI ने डायरेक्टली किसी की जॉब ली है। ये हुआ है दुकान और पेटीएम में। दुकान एक स्टार्टअप है जो बिजनेसेस को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में मदद करती है। तो अगर आप जूते बेचना चाहते हो, आप दुकान पर जाकर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो और उधर से आप ऑनलाइन जूते बेच सकते हो। दुकान का एक पॉपुलर कंपेटिटर है Shopify, और ये है इस दुकान की CEO सुमित शाह, जिनको अपनी कंपनी की कस्टमर सर्विस टीम कभी पसंद नहीं थी इतनी। उनका मानना था कि ये टीम कस्टमर्स को बहुत जनरल से आंसर देती थी और उनकी दिक्कतों को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती थी। फिर दुनिया में आया चैट जीपीटी, जो एक तरीके का चैट बॉट है। चैट जीपीटी ने अपने सटीक जवाबों से दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। तो दुकान की टीम ने सोचा कि क्यों ना हम AI को यूज करें कस्टमर सर्विस चैट बॉट्स बनाकर। इसलिए दिसंबर 2022 में दुकान ने कई कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट इन चैट बॉट्स के जरिए ही सॉल्व करने की कोशिश करी। ये चैट बॉट्स जनरेटिव AI यूज करते हैं। अब AI तो कई सालों से है, पर कई सालों तक AI यूज करी जा रही थी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए। इसका मतलब है कि पुराने डेटा को यूज करके प्रिडिक्शंस करना। पर जनरेटिव AI में ये फीचर है कि वो प्रिडिक्शन के अलावा नई चीजें खुद क्रिएट कर सकता है, चाहे वो पैराग्राफ्स हो, म्यूजिक हो, फोटो हो या वीडियो। तो जब आप एक चैट बॉट से एक सवाल पूछते हो, वो चैट बॉट आपका सवाल समझता ही नहीं है, बल्कि वो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। अब इसका एक बहुत बड़ा असर उन पर भी पड़ेगा जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं इंडिया की BPO इंडस्ट्री में, क्योंकि कई समय से BPO यूज करते आ रहे एक टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA बेसिकली एक रोबोट है जो एक रेपिटेटिव टास्क कर सकता है। रेपिटेटिव टास्क मतलब एक ऐसी चीज जो आपको लगातार करनी होती है। ये बहुत बेसिक टास्क होती है, जैसे डेटा एंट्री करना या फिर ईमेल भेजना। तो मानो अगर आपके एयरटेल सिम में कोई प्रॉब्लम है और आप एयरटेल की कस्टमर सर्विस पर कॉल करते हो, तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, एयरटेल में आपका स्वागत है। तो ऐसे कॉल्स पर जो आप इन्फॉर्मेशन देते हो, वो RPA टेक्नोलॉजी के जरिए ही सारी स्टोर हो जाती है ऑटोमेटिकली। कस्टमर सर्विस एजेंट को टाइप नहीं करनी पड़ती ये चीजें। पर RPA टेक्नोलॉजी में एक प्रॉब्लम है कि आपको हर चीज कोड करनी पड़ती है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे रिस्पॉन्स दे सकती है। इस टेक्नोलॉजी की खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है जिससे वो खुद क्रिएट कर सके चीजें। पर अब RPAs को कंबाइन करा जा रहा है AI के साथ, जिससे क्रिएट हो रही है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। यानी कि अब ये RPAs AI के जरिए खुद आंसर्स क्रिएट भी कर पाएगी ऐसी सिचुएशंस के लिए जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके कई स्टार्टअप्स लॉन्च हो रही है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है
Bland AI. Can you tell me more about your business? Sure. Bland AI provides conversational AI assistance to help with customer service over the phone. Our agents are designed to have natural conversations with people just like we're doing now. तो कई companies कहती कि हम एक call center employee को क्यों train करें जब हम ये automated intelligence technology को use करके किसी भी customer के question को answer कर सकते हैं. समस्या ये है कि ये AI tools perfect नहीं है. हाल ही में एक कस्टमर एयर कनाडा के चैटबॉट के साथ बात कर रहा था और इस चैटबॉट ने खुद ही एक नई रिफंड पॉलिसी बना दी. जब कस्टमर कंपनी के पास गया रिफंड मांगने तो कंपनी ने कहा ये पॉलिसी तो है ही नहीं हमारी. ये मुद्दा फिर कोर्ट तक गया और कोर्ट ने कहा कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि उनको रिफंड करना ही होगा क्योंकि उनके चैटबॉट ने एक नई पॉलिसी बनाई है. इन गलतियों के बावजूद दुकान कंपनी कम से कम इन चैटबॉट्स को पसंद करती थी क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर थी और इंसानों को मैनेज करना चैटबॉट से ज्यादा मुश्किल होता है. इसी वजह से दुकान कंपनी ने 6 महीने के लिए इन चैटबॉट्स को ट्राई किया और जून 2023 में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया. He has laid off 90% of his sports staff and the internet is furious. इस डिसीजन के बाद दुकान के कम्युनिकेशंस को बहुत हेविली क्रिटिसाइज किया गया. पर दुकान अकेली कंपनी नहीं है जो इन चैटबॉट्स को यूज कर रही है. पेटीएम एक और एग्जांपल है. जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि रिसेंटली पेटीएम ने करीब 1,000 लोग को फायर किया जो टोटल वर्कफोर्स का 10% था. और पेटीएम ने रीजन क्या दिया इस चीज के पीछे, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर ऑपरेशंस विद AI पावर्ड ऑटोमेशन टू ड्राइव एफिशिएंसी रिजल्टिंग इन अ स्लाइट रिडक्शन इन आवर वर्कफोर्स इन ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग. आसान भाषा में बोलूं तो AI ज्यादा प्रोडक्टिव है जिससे हमारी कॉस्ट बच रही है. इस वजह से हम ऑपरेशंस और मार्केटिंग टीम के लोगों को फायर कर रहे हैं. रिसेंटली पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा था कि पेटीएम एक कम्प्लीटली AI कंपनी होगी जिसकी वजह से कई लेऑफ्स जो पेटीएम में देखे गए दुकान की तरह वो कस्टमर फेसिंग रोल्स में देखे गए. ये चीज बस इंडिया में नहीं हो रही. ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि 2030 तक वो 1,00,000 लोगों को हटा देंगे, स्पेशली क्योंकि कस्टमर सपोर्ट के लोग अब AI से रिप्लेस हो रहे हैं. हमें ये भी समझना होगा कि पेटीएम ने बस कस्टमर सर्विस के लिए AI नहीं यूज करा बल्कि कस्टमर ऑपरेशंस के लिए भी. ये चीज कोई छोटी नहीं है. पिछले साल नवंबर में पेटीएम ने अनाउंस किया कि वो एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है जिसका नाम है Amadeus. Amadeus एक ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बेचती है एयरलाइंस, होटल्स और दूसरे टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस को. और Amadeus एक AI टूल यूज करता है इसको IBM के वॉटसन टेक्नोलॉजी ने बनाया था. वॉटसन बेसिकली IBM का एक डेटा एनालिसिस टूल है जो बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करता है. Amadeus वॉटसन को यूज करता है कस्टमर्स को पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस देने के लिए, चाहे वो फ्लाइट हो या फिर होटल बुकिंग. अब आप कहोगे ये तो ChatGPT भी कर सकता है. नहीं, ChatGPT पब्लिकली अवेलेबल डेटा यूज करता है जो इंटरनेट में सबके पास अवेलेबल है. इससे जो भी ChatGPT की रिकमेंडेशंस होती है वो बहुत जेनेरिक सी होती है, जबकि वॉटसन कंपनीज का इंटरनल डेटा यूज करता है जिससे वॉटसन की रिकमेंडेशंस ज्यादा स्पेसिफिक और रेलेवेंट होती है. तो पेटीएम ने Amadeus के साथ क्यों पार्टनर किया, क्योंकि पेटीएम अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म पेटीएम ट्रैवल को ऑप्टिमाइज करना चाहता था. ये वो प्लेटफॉर्म है जहां बसेस, ट्रेन और फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं पेटीएम पर. Amadeus को यूज करके पेटीएम अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज ट्रैवल रिकमेंडेशन देना चाहता है इस प्लेटफॉर्म पर. तो वो काम जो कस्टमर ऑपरेशंस टीम कर रही थी बहुत हद तक अब पेटीएम ने उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस टीम को भी उनको फायर करना पड़ रहा है. इससे पेटीएम की कॉस्ट भी कम हो रही है. एस्टिमेट्स के हिसाब से पेटीएम की 10-15% कॉस्ट बच जाएगी इन लेऑफ्स की वजह से. तो अगर आप कस्टमर सर्विस में हो, क्या आपको चिंता होनी चाहिए अपनी नौकरी की? हाँ, क्योंकि दुकान और पेटीएम जैसी कंपनीज ने दिखाया है कि वो AI टूल्स की वजह से इन रोल्स को हटा सकती है अपनी कंपनी से. पर वो लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कहते हैं कि आपको इतने डरने की जरूरत नहीं अपनी नौकरी के लिए. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. श्री कुमार रामनाथन जो चीफ सॉल्यूशंस ऑफिसर है एम्फेसिस के एक इंडियन IT कंसल्टिंग कंपनी, उनका कहना है कि जनरेटिव AI आपकी जॉब नहीं लेने वाली बल्कि ये उल्टा आपको प्रोडक्टिव बनाएगी वो. गौरव सिंह जो वर्डलूप के CEO है, एक ऐसी कंपनी जो खुद चैटबॉट्स बनाती है कस्टमर सर्विसिंग के लिए, वो कहते हैं कि AI की वजह से कॉल सेंटर और कस्टमर सर्विस के एम्प्लॉयज अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि इंडिया में कॉल सेंटर कंपनीज जो है BPO इंडस्ट्री में, वो कई समय से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और वो पिछले 5-6 सालों से AI यूज कर रही है कस्टमर्स के सवाल ढंग से समझने के लिए. तो उनका कहना है कि इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी हर टाइम से बदल रही है और AI बस एक और नया चेंज है. इससे जो एम्प्लॉयज की जॉब है वो बदलेगी पर जॉब नहीं जाएगी. पर आपको इसमें एक प्रॉब्लम दिखी? BPO इंडस्ट्री के सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कॉल सेंटर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. अब अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मैं कम लोगों से सेम काम करवा सकता हूं, तो मुझे इतने लोगों की क्यों जरूरत है? मैं एक्स्ट्रा लोगों को निकाल नहीं दूं? यही है दूसरा केस जहां जॉब लॉसेज होंगी,
प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसमें कोई दोराय नहीं है। इसी वजह से मैकिंजी और कंपनी का दावा है कि जनरेटिव एआई की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में $2.5 trillion से ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि ह्यूमंस अब ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। रिसर्च ने दिखाया कि कस्टमर सर्विस एम्प्लॉयज जो एआई यूज करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 14% बढ़ जाती है। उनकी छोड़ो, मैं भी कुछ हफ्तों से Perplexity यूज कर रहा हूँ और मेरी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी है रिसर्च करने में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई सालों से BMW जैसी कंपनीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे कार टेस्टिंग के लिए, यानी कि जब गाड़ी बन जाती है और एक इंसान उस गाड़ी को लेकर एक्चुअल रोड पर जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। पर अब BMW AI यूज करिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए जहां टेस्टिंग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही हो जाती है, आपको गाड़ी रोड पर चलाने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक चीज के लिए मुझे पहले 3 लोग चाहिए थे और अब बस 2, तो तीसरे आदमी को तो फायर कर देना चाहिए ना। यही डर इंडिया के 50 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में भी है। इसी चीज के बारे में स्टेबिलिटी AI के CEO इमाद मुस्ताक ने भी बात करी थी। स्टेबिलिटी AI वही कंपनी है जिसने स्टेबल डिफ्यूजन बनाया है। स्टेबल डिफ्यूजन एक AI टूल है जो इमेजेस क्रिएट करता है एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बलबूते। इमाद ने कहा कि GitHub पर 41% कोड अभी AI से ही लिखा जा रहा है। GitHub मान लो एक सोशल नेटवर्क है कोडर्स के लिए, जहां वो अपना कोड स्टोर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि AI अपने आप से 41% कोड लिख रही है, बल्कि कोडर्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक टूल यूज कर रहे हैं जिसमें AI की मदद मिलती है। इस टूल का नाम है GitHub Copilot, जहां अगर आप उसको कुछ प्रॉम्प्ट दो ह्यूमन लैंग्वेज में तो वो उस चीज को कोड में बदल देता है। तो जिस तरह आप ChatGPT से एक ईमेल लिखवा सकते हो, उसी तरह कोडर्स Copilot को यूज करके अपना कोड लिखवा सकते हैं। तो बेसिकली अब कोडिंग करना आसान हो गया है। इस आसानी की वजह से ही इमाद मुस्तक ने कहा कि आउटसोर्स कोडर्स की नौकरी 1-2 साल में चली जाएगी। ये आउटसोर्स कोडर्स कौन है? वो डेवलपर्स जो इंफोसिस TCS जैसी कंपनीज के लिए काम करते हैं। ये वो इंडियन कंपनीज है जिन्होंने अमेरिकन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिए ऐसे काम करने के लिए जो वो अमेरिकन कंपनीज खुद नहीं करना चाहती। अब इमाद मुस्तक ने बस TCS या फिर इंफोसिस के इंजीनियर्स को ही क्यों टारगेट किया, गूगल या फिर फेसबुक के नहीं? इसके पीछे भी एक कारण है। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको 2 चीजें करनी होती है। पहला है कि आपको कोड लिखना होता है एक ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ पाए। कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज कर लेगी। किसी भी इंसान को एक कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी एक कंप्यूटर से बात करने के लिए। ये हुआ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर NLP की वजह से। NLP की वजह से हम कंप्यूटर से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे मानो हम एक इंसान से बात कर रहे हैं। जैसे आप ChatGPT से आप वैसे ही बात करते हैं जैसे शायद आप अपने दोस्त से करते हो। ये NLP की बदौलत ही है। जब कंप्यूटर्स हमारी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए थे तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी। इनको कहा जाता था असेंबली लैंग्वेजेस। इनको सीखना इतना आसान नहीं था, बल्कि आपको कई कॉम्प्लेक्स सिंबल्स जानने पड़ते थे और बहुत स्पेशलाइजेशन चाहिए थी कंप्यूटर्स के साथ बात करने के लिए। असेंबली लैंग्वेजेस के बाद आई थोड़ी सिंपलर लैंग्वेजेस जैसे सी, जावा और C++। ये लैंग्वेजेस कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को यूज करती है। आसान भाषा में बोले तो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स हमारे कोड को एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं जिसको कंप्यूटर समझ पाए। इन लैंग्वेजेस के बाद आई पाइथन लैंग्वेजेस, जिसने कंप्यूटर से बात करना और आसान बना दिया। और अब आई है NLP, जिसकी वजह से आपको एक कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप बस कंप्यूटर से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। तो ये जो कोड राइटिंग की टास्क है ना, ये AI कर लेगी। पर AI दूसरी चीज नहीं कर पाएगी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को करनी होती है, वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है जो एक कंप्यूटर समझ पाए और कर पाए। अब जैसे आपको एक ऑनलाइन मीटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है जैसे जूम, अब जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं उनको कोड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि डिसाइड करना कि ऑनलाइन मीटिंग करनी कैसी चाहिए, क्या उसमें स्क्रीन शेयरिंग अलाउड होनी चाहिए, कितने लोग एक मीटिंग में आ सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। इन सारे सवाल करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी AI ये चीज नहीं कर सकता। अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो गूगल या फिर OpenAI जैसी कंपनीज में काम करते हैं, उनका ज्यादा फोकस कॉम्पिटिशनल थिंकिंग पर होता है। वो पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि उनको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जबकि कई इंजीनियर्स जो इंफोसिस या फिर TCS की कंपनीज में काम करते हैं, उनका काम ट्रांसलेट करना होता है। कॉम्पिटिशनल थिंकिंग किसी और ने कर ली है, आपको वो बस ट्रांसलेट करने की जरूरत है कंप्यूटर के लिए। यानी कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहे हैं, और NLP की वजह से ये ट्रांसलेशन की अब इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। NVIDIA के CEO ने भी हाल ही में यही कहा। And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program.
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से आप इतना फायदा नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा जो फंडामेंटल एल्गोरिथम्स है और कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसको सीखने से। यही चीज आपको मिलेगी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहां वो बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिखा रहे हैं। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैं स्कॉलरशिप दूंगा एक स्टूडेंट को जो स्केलर के 4 साल के UG प्रोग्राम में इनरोल करेंगे। ये प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस में बेंगलुरु में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स प्रोड्यूस हुए जैसे सिलिकॉन वैली में होते हैं। इस कॉलेज में सिखाया बहुत अलग तरीके से जाता है, जैसे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से सीखते हैं, उसी तरह इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सीखोगे उन लोगों से जिन्होंने अच्छी कंपनीज में काम किया है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर उबर। मैंने पिछले साल ऐसी ही स्कॉलरशिप हर्ष को दी थी और मैं चाहता हूँ कि इस साल भी मैं एक और स्टूडेंट को सपोर्ट करूँ। मैं कई बार स्केलर के कैंपस गया हूँ और उधर के मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है। क्योंकि मैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं ये स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगी और इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में भी बात करूंगा। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से TCS ने कहा है कि वो अपने पूरे स्टाफ को जनरेटिव AI में ट्रेन करवाना चाहते हैं। इन्फोसिस ने भी ऐलान किया है कि अपने वो 20,000 एम्प्लॉयज को गूगल के जनरेटिव AI के टूल सिखाएंगे। जनरेटिव AI का असर हमने इन कंपनीज की हायरिंग में देख लिया है। जहाँ TCS ने अपनी हायरिंग कम कर दी है, इन्फोसिस ने कैंपस रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी इस साल। तो पहला केस था जहाँ AI की वजह से डायरेक्टली जॉब जा रही थी, दूसरा केस था जहाँ AI की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी तो जो एक्स्ट्रा लोग थे उनकी जॉब जा रही थी। अब आते हैं तीसरे केस में, जहाँ क्योंकि अब कई कंपनीज की प्रायोरिटी AI है तो वो डिपार्टमेंट जो उनके लिए जरूरी नहीं है उधर लोगों की जॉब जा रही है। जैसे पिछले साल जनवरी में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि वो 10,000 लोगों को निकाल रहे हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने एक एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट अब नए एरियाज में फोकस करना चाहती है जो फ्यूचर में हाई ग्रोथ देंगे कंपनी को। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग की अगली बड़ी वेव है। और एक हफ्ते बाद ही रिपोर्ट्स आई कि माइक्रोसॉफ्ट OpenAI में $10 बिलियन और इन्वेस्ट कर रही है। तो सत्य नडेला ने ये क्लियरली नहीं कहा कि वो लोगों को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी AI में इन्वेस्ट करना है। पर जब आप उनके कम्युनिकेशन के सिग्नल्स ढंग से पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि जिन लोगों को निकाला गया वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी में नहीं थे। इन तीनों केसेस की वजह से एक डर का माहौल है। पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में 74% इंडियन वर्कर्स ने कहा कि वो डरे हुए हैं कि AI की वजह से उनकी जॉब ना चली जाए। पर AI का क्या इफेक्ट होगा उस पर भी कंफ्यूजन है। सैम ऑल्टमैन एक तरफ कह रहे हैं कि AI से इतनी ज्यादा जॉब नहीं जाएंगी, जबकि हमने देखा कि इमाद मुस्तक ने कहा कि कई इंडियन इंजीनियर्स की जॉब जाने वाली है। तो सच क्या है? सच ये है कि वो ना तो वाइट है ना ब्लैक है, बल्कि ग्रे है, जिसका मतलब है कि कई नौकरियां ऐसी हैं जिनका AI से फायदा होगा और दूसरी नौकरियां हैं जो AI से रिप्लेस होने वाली है। तो कौन सी जॉब्स है जिन पर खतरा मंडरा रहा है, इसकी बेस्ट एनालिसिस मैंने देखी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। उन्होंने 867 नौकरियों को एनालाइज किया ये देखने के लिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी कि वो AI मॉडल जिसे ChatGPT बनाए, उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है जॉब्स पर। हर जॉब के लिए उन्होंने देखा कि उस जॉब में कौन सी टास्क करनी होती है। जैसे एक यूट्यूबर होना एक जॉब है, और इस जॉब में कई टास्क है, वीडियो का आइडिया डिसाइड करना, स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना और एडिट करना। तो ये सारी टास्क हो गई मेरी जॉब में। इसी तरह उन्होंने देखा कि इन 867 जॉब्स में करीब 19,000 टास्क हैं। फिर उन्होंने हर टास्क को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है कि इस टास्क को LLMs कर पाएंगी और इंसानों की जरूरत नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी है कि LLMs की वजह से इस टास्क में एक इंसान और प्रोडक्टिव हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है कि LLMs का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इस टास्क पर। और फाइनल कैटेगरी है कि LLMs का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस टास्क पर। तो ये पूरी एनालिसिस करने के बाद उनको मिला क्या? उन्होंने कहा कि वो नौकरियां जहां एक इंसान से बात करने की इतनी जरूरत नहीं होती और जहां जो आपकी टास्क होती है वो रिपीट पर करनी पड़ती है एक फिक्स पैटर्न पर, वो तो AI लेकर चले जाएगा। ये नौकरियां हुई एक टेलीमार्केटर की, एक बैंक एम्प्लॉय की, एक रिसेप्शनिस्ट की या फिर एडमिन असिस्टेंट्स की। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी कई जॉब्स हैं जहां हम ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाले AI की वजह से, और वो ऐसी जॉब्स हैं जहां क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स चाहिए होते हैं, स्पेशली साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या फिर मैथ के फील्ड में, और ये है मैथमेटिशियंस या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स। फाइनली वो नौकरियां जहां LLMs का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये वो है जहां फिजिकल मूवमेंट की जरूरत पड़ती है और जहां एक पर्सनल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। ये नौकरियां हैं करियर काउंसलर, नर्सेज, स्पोर्ट्स पर्सन और टीचर्स की। अब आप बोलोगे कि टीचर्स को AI क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? टीचर्स की कुछ चीजें AI जरूर कर सकती है,
पर टीचर की अकेली जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो एक कॉन्सेप्ट सिखा सके, मोटिवेशन भी होती है। क्या LLM बच्चों को मोटिवेट कर पाएगी? पर कई रिपोर्ट्स ने क्लियरली कहा है कि जब आप बैलेंस पर देखोगे तो AI से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये नई नौकरियां है कौन सी? मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ ऐसी जॉब्स के। पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी AI मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून मतलब AI मॉडल को बेहतर बनाना। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को समझने के लिए मान लो कि वो एक शेफ है रेस्टोरेंट में और उनको एक फोटो दिखा दी है कि उनको कौन सी डिश बनानी है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स कई रेसिपीज ट्राई करते हैं उस परफेक्ट रेसिपी ढूंढने के लिए, जैसे जो आउटपुट आएगा वही डिश का आएगा जिसको उनकी फोटो मिली थी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स कई डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देते हैं AI मॉडल को ताकि उसका आउटपुट वो आए जो वो चाहते हैं। इस चीज के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि उनको एक AI मॉडल के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। अब क्योंकि कई कंपनीज ऐसे AI मॉडल्स को अडॉप्ट कर रही है, इस वजह से इस जॉब की डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरी नौकरी है एथिक्स और गवर्नेंस स्पेशलिस्ट। आप मान लो कि ये लोग हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिनका ये काम है देखना कि जो डिश जा रही है कस्टमर के पास वो सेफ है भी या नहीं। तो ये लोग चेक करते हैं कि अगर ChatGPT में किसने ये पूछा कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, ऐसे सवालों के जवाब आंसर ना किया जाए, या फिर मिड जर्नी के मॉडल से आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना बना पाए। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी गूगल जेमिनी के बारे में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्लेन करी गूगल को कि उस मॉडल ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अक्यूज किया फासिज्म के लिए। He has been accused of implementing policies that experts characterize as fascist. इंडियन गवर्नमेंट की कंप्लेंट के बाद गूगल ने ये ठीक करने की कोशिश करी और इस चीज को करते हैं एथिक्स एंड गवर्नेंस स्पेशलिस्ट्स। फिर तीसरी नौकरी जो पॉपुलर होगी वो है डेटा क्यूरेटर्स और ट्रेनर्स की। जैसे आप जानते हो कि AI मॉडल्स को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, तो उस डेटा को प्रिपेयर और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा क्यूरेटर्स और ट्रेनर्स की मदद लेनी पड़ती है, जो ये इंश्योर करते हैं कि डेटा ऑर्गेनाइज भी हो और रेलेवेंट भी हो। ऐसी नई जॉब्स के लिए इंडिया में एक एडवांटेज है क्योंकि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो AI फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। अगस्त 2023 तक इंडिया में 400,000 AI प्रोफेशनल्स थे, पर डिमांड थी 600,000 की, और 2027 तक ये डिमांड 6-11 लाख होने वाली है, जिसका मतलब है कि वो लोग जो AI फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। अब ये भी समझने की जरूरत है कि जो सारी फायरिंग हो रही है इंडियन इकोनॉमी में वो बस AI की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी हो रही है। कई कंपनीज, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो या फिर कई स्टार्टअप्स हो, उन्होंने कोविड के दौरान कई लोगों को हायर किया था। ये एरा था ZIRP का, यानी कि जीरो इंटरेस्ट रेट पीरियड, यानी कि जब US के सेंट्रल बैंक की जो इंटरेस्ट रेट थी वो करीब 0% थी। 0% इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आप बैंक में पैसे ही क्यों रखोगे, आपको कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स और हाई रिस्क हाई रिटर्न चीजें ढूंढने लग गए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ये थी स्टॉक मार्केट या फिर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट, दोनों ही रिस्की होती हैं और दोनों में ही हाई रिटर्न मिलता है। तो जब कई इन्वेस्टर्स वेंचर कैपिटल कंपनीज के जरिए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लग गए, उन स्टार्टअप्स के पास बहुत पैसा था और ये पैसा उन्होंने यूज किया लोगों को हायर करने के लिए। अब करीब 12 महीने से ग्लोबल इकोनॉमी बहुत अलग पोजीशन पर है। इंटरेस्ट रेट्स US की अब 0% नहीं है बल्कि करीब 5% है। 3 साल पहले अगर आप कोई जूम कॉल में कुछ बच्चों को मैथ्स ही सिखा रहे होते थे तो बायजूस से आपको कॉल आ जाता कि वो आपको 100 करोड़ में खरीदना चाहते हैं, पर वो जमाना अब गया। सारे इन्वेस्टर्स अपनी स्टार्टअप से प्रॉफिटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं और इस प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में ही कई स्टार्टअप्स और कंपनीज ने लोगों को फायर किया है। मैंने अपने रीसेंट वीडियो में ये भी कहा था कि एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर के हिसाब से कई कंपनीज अभी कॉपीकैट बिहेवियर भी कर रही हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज फायर कर रही हैं तो मैं क्यों ना करूं? अगर मैं अकेले करूंगा तो मैं बेवकूफ लगूंगा, पर अगर 10-15 कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं तो मेरे पर इतना अटेंशन आएगा नहीं। तो ये बेस्ट टाइम है किसी भी कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉय को फायर करने का। अब ये है सबसे जरूरी सेक्शन कि आपको करना क्या चाहिए हर केस के लिए जो हमने बात करी इस वीडियो में। पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जी रहे हैं। अगर कोई भी चीज सस्ते में हो सकती है और आपकी जरूरत नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा। चाहे आपका CEO कितना भी बोल दे कि हमारी कंपनी एक फैमिली की तरह है, पर ये मानना मत, कंपनी फैमिली नहीं है। कंपनी का काम है पैसे बनाना और अगर आपके बिना पैसे ज्यादा बनेंगे तो आपकी जॉब खतरे में है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस आप तभी हैंडल कर पाओगे जब आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। कई लोगों में एक AI एंग्जाइटी है अभी क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं अपनी नौकरियों के बारे में, इसीलिए तो वो लोग ज्योतिष के पास जा रहे हैं। कोई भी ज्योतिष के पास तब नहीं जाता जब उनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है।
मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया हार्ट अटैक्स पर, जहां कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि यंग लड़कों में हार्ट अटैक्स का नंबर वन रीजन स्ट्रेस है। हमारी तो छोड़ो, ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामत ने अभी बताया कि उनको एक माइल्ड स्ट्रोक हुआ था स्ट्रेस, ज्यादा वर्कआउट और एग्जॉशन की वजह से। तो अगर आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ की लड़ाई नहीं जीत पाओगे, AI की कैसे लड़ाई जीतोगे। अब बात करते हैं पहले केस की, जहां AI की वजह से आपकी जॉब रिप्लेस हो रही है। यानी कि अगर आप कस्टमर सर्विस एजेंट हो या फिर एक लो लेवल प्रोग्रामर हो, आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको ये रियलाइज करना होगा कि या तो AI आपकी जॉब ले लेगा या फिर वो बंदा आपकी जॉब ले लेगा जो AI को यूज कर सकता है। ये अब रियलिटी होने वाली है। 30 साल पहले एक जमाना था जब बोला जाता था कि अगर आपको कंप्यूटर्स यूज करने आते हैं और थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो आपकी व्हाइट कॉलर जॉब तो लगी जाएगी। पर अब थोड़े ही समय में वो स्टैंडर्ड और ऊपर होने वाला है। अब बस कंप्यूटर सीखना और अंग्रेजी आना काफी नहीं होगा, AI टूल को यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो अपनी इंडस्ट्री में देखो कि कौन से टूल्स यूज करने की जरूरत है जिससे आप अपस्किल कर पाओ। अब ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कैसे, दो चीजें करके। पहले ये देखो कि किन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है। जो भी उन स्टार्टअप्स की टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि वही फ्यूचर में यूज करी जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा, आप इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ट्विटर अकाउंट्स फॉलो कर सकते हो ये देखने के लिए कि फंडिंग क्या आ रही है। दूसरी चीज है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को फॉलो करना। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, पर ये कुछ नाम है जिनको मैं फॉलो करता हूं। अब आते हैं सेकंड केस में, जहां AI की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या पता आप वो एक्स्ट्रा आदमी हुए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसको कैसे अवॉइड करें, सिंपल सोल्यूशन है कि अपनी टीम में एक टॉप परफॉर्मर बनो। अगर आप अपनी कंपनी के स्टार प्लेयर हो तो कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये पता कैसे चलेगा, यूजुअली टॉप परफॉर्मर को पता चल जाता है क्योंकि उनके मैनेजर उनको सिग्नल देते रहते हैं। पर अगर आपको नहीं पता है तो मैनेजर से प्रोएक्टिवली फीडबैक मांगो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके मैनेजर आपके बारे में समझते क्या है। अब आते हैं तीसरे केस में, जहां आपको लगे कि आपका डिपार्टमेंट ही आपकी कंपनी के लिए प्रायोरिटी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि आपका डिपार्टमेंट प्रायोरिटी है आपके सीईओ के लिए या फिर नहीं, ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल सिग्नल से। ऑब्जर्वेबल सिग्नल्स हो गए जब भी सीईओ एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है। अपनी स्टेटमेंट्स में अगर वो आपके डिपार्टमेंट का नाम बार बार ले रहे हैं तो समझ जाओ कि वो एक प्रायोरिटी है सीईओ के लिए। अगर नहीं ले रहे तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। अनऑब्जर्वेबल सिग्नल्स हैं कि सीईओ किन लीडर्स के साथ बात करते हैं, ट्विटर पर किन लोगों को फॉलो करते हैं और किन प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज में वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जहां भी सीईओ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होगा वही प्रायोरिटी है उनके लिए। अब कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप ऐसी टीम में काम कर रहे हो जो आपकी कंपनी के लिए प्रायोरिटी नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए अपना डिपार्टमेंट ज्यादा जरूरी है या फिर कंपनी। देखो, अगर आप टेस्ट मैच खेलना चाहते हो पर आपकी कंपनी T20 क्रिकेट खेलना चाहती है, तो या तो आप T20 क्रिकेट सीख लो या फिर ऐसी कंपनी में जाओ जो टेस्ट मैच खेलने के लिए राजी है। लास्ट केस है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। US की सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट्स पर हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते। बस आप ये इंश्योर करो कि आप ऐसी स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हो जिनके पास फंडिंग है, ताकि फंडिंग की कमी की वजह से आपकी नौकरी ना जाए। और लास्ट सजेशन है कि अनसर्टेनिटी को मैनेज करो। चाहे एनवीडिया के सीईओ या फिर गूगल के सीईओ, किसी को भी 100% नहीं पता है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। जॉन मेनार्ड कीन्स 20th सेंचुरी के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 100 साल बाद टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से लोग बस 15 घंटे ही काम करेंगे हर हफ्ते में। ये क्या हुआ, नहीं हुआ। Our youngsters must say, I want to work 70 hours a week. तो अनसर्टेनिटी को मैनेज करो और उन चीजों पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल पे है, जैसे आपकी हेल्थ और आपके स्किल्स। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक स्टूडेंट को अच्छे स्किल्स मिले स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी स्कॉलरशिप देकर। ये कोई ऐरे गेरे प्राइवेट कॉलेज की तरह नहीं है, बल्कि इधर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है जैसे AI, और करिकुलम रेगुलरली अपडेटेड किया जाता है। जैसे हाल ही में विजन प्रो के लॉन्च के बाद वो स्पेशल कंप्यूटिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स को बस पढ़ाना ही नहीं चाहते, बल्कि इंकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी स्टार्टअप्स भी स्टार्ट करें, उनको मेंटरिंग देकर और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर। उनका फोकस स्टूडेंट्स की क्वांटिटी पर नहीं है बल्कि क्वालिटी पर है। इसी वजह से उनका एडमिशन प्रोसेस भी स्ट्रिक्ट है। पिछले साल 60 से ज्यादा बच्चों ने IIT, IIIT और BITS जैसे कॉलेजेस छोड़े CS पढ़ने के लिए स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, और कई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ICPC के रीजनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी करे। ICPC ओलंपिक्स माना जाता है कोडिंग का। मैं खुद स्केलर के कैंपस कई बार गया हूं और उधर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बोल सकता हूं। इसी वजह से मैं अपनी स्कॉलरशिप दे रहा हूं इस साल भी। स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा एक टेस्ट के लिए, स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपने टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा किया तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और मैं भी आपसे मिलने के लिए आऊंगा जैसे मैं हर्ष से मिला। तो अगर आप स्केलर के 4 साल के UG प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर रजिस्टर करो, नहीं तो ये वीडियो उनको भेजो जो कीन होंगे ऐसी स्कॉलरशिप के लिए।